गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये देखिए कैसी लग रही है हरियाली। इसी हरियाली को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आज मैं बनाने जा रही हूँ जेट प्लांट से एक टोपियारी। जेट प्लांट मेरी अच्छी ग्रोथ ले चुका है और उसमें से कुछ ब्रांचेस लेकर मैं आज एक टोपियारी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देखिए, आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ बताइएगा, जिसमें मैं कुछ वेस्ट मटेरियल का भी यूज करूँगी और साथ ही साथ जेट की ब्रांचेस और कुछ जो पुरानी स्टैचूज वगैरह पड़ी थी उसका यूज करके एक आइडिया दिमाग में आया है। तो चलिए आज की सुबह को कुछ क्रिएटिविटी से फुल करते हैं, कुछ रचनात्मकता दिखाते हैं और ज़िंदगी में कुछ रंग भरते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि आज किस तरह से मैं इस टोपियारी को बनाऊंगी। और देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है मेरा ये फर्न, और साथ ही एक नया प्लांट कंटेनर जो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बनाया, ये देखिए। और इसमें मैंने एक नया प्लांट लगाया है जिसे पेपर बोट प्लांट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी पत्तियाँ बहुत हार्ड हैं। इससे रिलेटेड वीडियो मैं अगली बार लेकर आऊंगी। तो चलिए अब देखते हैं टोपियारी। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये एक छोटा सा प्लांट पॉट है जिसे मैं बाद में कलर कर लूंगी बनाने के बाद। इसमें मैंने कोलियस प्लांट बोए थे जो अजीब सा स्ट्रक्चर ले चुके थे और उनके कलर फेड हो गए थे, तो मैंने उन्हें निकाल कर अब इसमें एक टोपियारी बनाने की सोची है। तो ये देखिए, ये है पेंट की जो बकेट होती है उसका हैंडल, इससे मैंने एक शेप दिया है। अब इसमें हम शुरू करते हैं जेट प्लांट की कटिंग सेराइज करना। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, ये है जेट प्लांट की कटिंग। इसको थोड़ा सा मैं पहले शेप दे देती हूँ। जो ये एक्स्ट्रा ब्रांचेज हैं इन्हें हम अच्छे से सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। ये देखिए काफी लंबी सी है ये ब्रांच, तो इसको मैं सीजर की हेल्प से कट कर लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको शेप देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जितनी भी साइड ब्रांचेस थी मैंने कट कर ली हैं, और उससे पहले मैंने अपनी सीजर को स्टरिलाइज किया था, ये देखिए, क्योंकि कोई फंगल अटैक ना हो इसलिए हमें अपनी सीजर साफ सुथरी लेनी चाहिए। अब जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस थी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने कट करके अलग रख दी है। आप देख सकते हैं इसे बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है, लंबी सी ब्रांच। अब हम इसका यूज करेंगे। ये देखिए, एक छोटे से ब्रांच की हेल्प से मैंने इसमें एक होल कर दिया है। इसे हम फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं। और अब इसमें ये देखिए, ये ब्रांच मैंने डाल दी है और इसको सपोर्ट देते हुए, ये देखिए, अगर लगाने में मुश्किल हो तो इसे हम हल्का सा किसी थ्रेड वगैरह से बांध भी सकते हैं। और अब मैं दूसरे साइड के लिए ब्रांच तैयार करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरे साइड के लिए भी हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। फिर एक होल किया और इस तरह से ये देखिए, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने इसमें डेड स्टेम वगैरह भी डाल दिए थे कोलियस के, जिससे ये अच्छी सी मिट्टी एयरी रहे। आप देख सकते हैं दोनों साइड से, ये थोड़े दिनों में ये जब अच्छी ग्रोथ ले लेगा तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो थोड़ा सा पोर्शन बचा है, कुछ दिनों बाद जब ये पेड़ आपका ग्रोथ करेगा तो इस एरिया को भी कवर अप कर लेगा। अब इसमें कुछ और प्लांट्स लगा के इसको थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाते हैं। ये देखिए, मैंने कुछ और प्लांट्स ले लिए हैं, ये भी सब सुकुलेंट हैं। अब इन प्लांट से इसको थोड़ा सा और डेकोरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए,
ये इतने अच्छे पौधे होते हैं कि अगर इनकी ये देखिए एक लीफ भी टूट जाए तो इसी से नए प्लांट से राइज हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये इनमें नए प्लांट्स किस तरह से अराइज हो रहे हैं। तो इसी से मैं आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, ये बन गई है बहुत ही खूबसूरत टोपियारी, जिसमें कुछ बीट्स वगैरह लगाकर मैंने इसे और खूबसूरत बना दिया है। हम इसे और खूबसूरत बना सकते हैं। अभी मैं इसके जो प्लांट पॉट है इसको भी कलर करूंगी। ये देखिए ये है जेट प्लांट और इसको मैंने पूरा कवर अप कर लिया है एक लंबी ब्रांच से। और आप देख सकते हैं ये साइड में सुकुलेंट्स लगा दिए हैं और बीच में कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर रखकर इसमें कृष्ण राधा जी का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत करने की कोशिश करिए। तो आप देखिए कैसी लगी। इसे और डेकोरेट करके मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। इसको मैं और डेकोरेट करने की कोशिश करूंगी और उसके बाद आपको इसका फाइनल लुक नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगी। तो आपको मेरी सुबह सुबह की ये मेहनत कैसी लगी बताइएगा अपने कमेंट से, और अगर आपकी कोई सलाह है तो वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैप्पी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सभी लोगों को अपने आसपास खूब ढेर सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे एटलीस्ट हम अपने आसपास का टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करें। तो ये देखिए ये बन गई है खूबसूरत सी टोपियारी। ये देख सकते हैं आप, बन गई है बहुत ही खूबसूरत टोपियारी। ये देखिए इसमें कुछ मेरे पास वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ था, उसको मैंने रख दिया है और साथ में हमारी चिड़ियां भी बैठ चुकी हैं। और पीछे से ये जेट की ब्रांचेस लेके मैंने एक कर्टन वाला लुक दिया है, जो कुछ समय बाद पूरी हाइट ले लेगा तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और साथ ही मैंने कर दिया है कंटेनर को कलर। ये देखिए इसको और नीचे से डेकोरेट कर सकते हैं हम। और बीच में बैठे हैं राधा कृष्ण, ये देखिए, और ये है उनका उपवन। आप बता सकते हैं ये आपको कैसा लगा। आपको सुबह सुबह की क्रिएटिविटी अगर अच्छी लगी तो आप अपने व्यूज दे सकते हैं अपने कमेंट्स के थ्रू, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि ये टोपियारी आपको कैसी लगी। और कुछ मंथ्स बाद में इसके जो पूरा ये लुक ले लेगा उसको मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। और साथ में ये देखिए मैंने एक पाम की जो ब्रांच थी लीफ थी उसको कलर करके साइड से इसको ट्री का लुक दे दिया। तो आप बताइएगा आपको ये कैसी लगी। थैंक यू।